मेरे दोस्तों, टाइगर और ब्लैक पैंथर की लड़ाई में जीत किसकी होगी? इसका जवाब खोजने से पहले हमें ब्लैक पैंथर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ब्लैक पैंथर को लेकर लोगों के बीच कई सारी गलतफहमियां हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि असल में ब्लैक पैंथर क्या है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्लैक पैंथर एक अलग ही प्रजाति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक पैंथर आमतौर पर एक लेपर्ड या फिर जेगुआर को कहा जाता है। दरअसल पैंथर एक जानवरों की एक प्रजाति का नाम है, जो है पैंथरा। लायन, टाइगर, लियोपोल्ड और जेगुआर, ये सभी जानवर पैंथोरा प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ब्लैक पैंथरा पैंथोरा जाति के उन मेंबर्स को कहा जाता है जो मेलेनिज्म को एक्सप्रेस करते हैं, खासकर जेगुआर और लियोपोल्ड। अबे मेलेनिज्म क्या है? आपको पता होगा कि इंसान और जानवरों की स्किन में मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। अगर इस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्किन का कलर डार्क होने लगता है और इसे मेलेनिज्म कहा जाता है। ब्लैक पैंथर के केस में मेलेनिज्म की वजह से इनका स्किन कलर ब्लैक होता है। लेपर्ड या फिर जेगुआर में हुए जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से यह बदलाव आता है। कोगर में भी यह बदलाव देखा गया है, लेकिन इनमें यह बदलाव बहुत ही रेयर होता है। यह बदलाव आज तक टाइगर और लायन में नहीं देखा गया है, लेकिन लायन और टाइगर में अल्बिनिज्म को देखा गया है। अल्बिनिज्म मेलेनिज्म के एकदम विपरीत है, जहां मेलेनिज्म की वजह से जानवरों का स्किन डार्क होने लगता है, वही अल्बिनिज्म की वजह से जानवरों का स्किन सफेद होने लगता है। ब्लैक पैंथर के बॉडी में भी लेपर्ड और जगुआर की तरह पैटर्न्स बने होते हैं, लेकिन इनके डार्क कलर की वजह से यह ठीक से दिखाई नहीं देते और यह पूरी तरह से ब्लैक नजर आते हैं। अगर हम एशिया और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक लेपर्ड को ब्लैक पैंथर कहा जाता है, और वही अगर हम सेंट्रल और साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक जगुआर को ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। अब जब हम यह जानते हैं कि ब्लैक पैंथर असल में लेपर्ड और जगुआर ही है, इसलिए इन दोनों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसे हम टाइगर के साथ कंपेयर करेंगे, और वो ताकतवर जानवर है जेगुआर। इसलिए इस वीडियो में हम टाइगर के साथ ब्लैक जेगुआर को कंपेयर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम साइज की बात करें तो एक मेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इसकी पूंछ भी शामिल है। वही एक फीमेल बंगाल टाइगर की लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक हो सकती है। इनकी पूंछ आमतौर पर 85 से 110 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अगर हम इनकी वजन की बात करें तो एक मेल बंगाल टाइगर 260 किलो का हो सकता है, और वही एक फीमेल बंगाल टाइगर 160 किलो तक हो सकती है। लेकिन साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी बड़े होते हैं। साइबेरियन टाइगर दुनिया के सबसे बड़े बिल्लियों की प्रजाति है। मेल साइबेरियन टाइगर करीब 3.3 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें इनकी 1 मीटर लंबी पूंछ भी शामिल है, और इनका वजन 320 किलो तक हो सकता है। वही फीमेल साइबेरियन टाइगर थोड़ी छोटी हुआ करती है और इनका वजन 180 किलो तक हो सकता है। दूसरी तरफ ब्लैक जगुआर साइज में करीब 1.8 मीटर तक लंबे होते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है। इनकी पूंछ सभी बड़े बिल्लियों में सबसे छोटी है और यह सिर्फ 75 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ब्लैक जगुआर का वजन 100 किलो तक हो सकता है, इसीलिए साइज और वजन के मामले में टाइगर ब्लैक पैंथर से काफी आगे है। टाइगर एक बहुत ही धैर्यशाली शिकारी है। यह बहुत धीरे धीरे और बिना आवाज किए चल सकते हैं। शिकार करने से पहले टाइगर करीब 20 से 30 मिनटों तक अपने शिकार के ऊपर नजरें बनाए रखते हैं। टाइगर के पास कुल 30 दांत होते हैं, और इनके सामने के तरफ मौजूद कैनाइन टीथ सभी बड़ी बिल्लियों में से सबसे लंबे होते हैं। साथ ही इनके पंजे भी काफी बड़े और मजबूत होते हैं। टाइगर अपने पंजों की मदद से शिकार को पकड़ लेते हैं, और इसके बाद अपने लंबे दांतों को शिकार के गर्दन पर धसा देते हैं, जिससे शिकार की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर आमतौर पर रात को शिकार करते हैं, क्योंकि रात के समय इनका काला रंग इन्हें छिपने में मदद करता है। यह झाड़ियों या पत्थरों के पीछे छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है, और यह जितना हो सके अपने शिकार के पास जाने की कोशिश करता है। ब्लैक पैंथर बिना कोई आवाज किए चलने में माहिर होते हैं। यह अपने शिकार का पीछा कुछ इस तरह से करते हैं कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। जब यह अपने शिकार के बहुत पास आ जाते हैं, तभी उसे अपने पंजों से पकड़ लेते हैं,
इसके अलावा ब्लैक पैंथर पेड़ों के ऊपर चढ़कर अपने शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही उसका शिकार ठीक उसके नीचे आ जाता है तो वह तुरंत शिकार के ऊपर कूद पड़ता है। यह बाकी बिल्लियों की तरह अपने शिकार के गर्दन पर काटकर उसे मार डालता है। टाइगर एक बेहद ही शक्तिशाली जानवर है। यह अपने पंजों और दांतों की मदद से किसी भी जानवर के स्किन को फाड़ सकता है। एक टाइगर किसी शेर से भी ज्यादा तेज और स्ट्रांग होते हैं। टाइगर करीब 1050 PSI के दबाव से काट सकते हैं। टाइगर के पीछे के पैर सामने के पैरों के मुकाबले लंबे होते हैं, जिसकी मदद से यह बहुत ही ऊंची और लंबी छलांगें मार सकते हैं। अब तक का रिकॉर्ड किया गया टाइगर की सबसे ऊंची छलांग करीब 12 फीट की थी। इसके अलावा टाइगर एक छलांग में करीब 20 से 30 फीट की दूरी तय कर सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक जगुआर के बाइट फोर्स के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनका बाइट फोर्स सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा होता है। 100 किलो वजनी जगुआर करीब 1500 PSI के दबाव से काट सकता है, जो इसके शिकार को मारने के लिए काफी है। इसके अलावा जगुआर करीब 10 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है और यह करीब 20 फीट की दूरी तय कर सकता है। एक टाइगर करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो जंगल में टाइगर का शिकार करने वाला कोई नहीं है, और इसके लिए इनको खुद को बचाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर कभी भी इनके ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया तो यह उससे बचने के लिए उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिन तकनीकों से वो शिकार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों के अलावा एनाकोंडा और ब्लैक कैमेट, जो कि क्रोकोडाइल की एक प्रजाति है, यह दोनों जानवर ब्लैक पैंथर का शिकार कर सकते हैं। ब्लैक पैंथर खुद को बचाने के लिए अपने जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका बाइट फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। इसके साथ ही ये अपने तेज रफ्तार का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम बार होता है कि एक टाइगर और एक ब्लैक पैंथर एक दूसरे के सामने आ जाए, क्योंकि टाइगर अक्सर दिन में शिकार करते हैं और वही ब्लैक पैंथर रात को शिकार पर निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये दोनों जानवर एक दूसरे के सामने आ जाए और लड़ना शुरू कर दे तो इनमें से विनर कौन बनेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, एक ब्लैक पैंथर टाइगर से ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तेजी से पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं और इनका बाइट फोर्स भी टाइगर के मुकाबले ज्यादा है। इसलिए देखा जाए तो ब्लैक पैंथर के पास कई ऐसे एडवांटेज है जिससे वह टाइगर को हरा सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि टाइगर ब्लैक पैंथर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, ज्यादा वजनी होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, आसानी से हार नहीं मानते, और सबसे बड़ी बात, टाइगर अपनी बॉडी पर हुए घातक हमलों को भी झेल सकता है। जैसे कई बार शिकार करने के दौरान टाइगर करीब 1 टन वजनी भैंसे के पैरों के नीचे आ जाता है, लेकिन ये फिर भी वापस उठकर उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ ब्लैक पैंथर का बाइट फोर्स टाइगर से ज्यादा है, लेकिन इनके दांत टाइगर के जितने लंबे नहीं होते, इसीलिए अगर ब्लैक पैंथर ने टाइगर को अगर काट लिया तो टाइगर उस दर्द को किसी तरह सह सकता है। लेकिन अगर टाइगर ने ब्लैक पैंथर को काट लिया तो वह बुरी तरह से घायल हो जाएगा। इसके बाद टाइगर अपने ताकतवर पंजों से ब्लैक पैंथर के बॉडी पर अटैक करेगा, जिससे ब्लैक पैंथर पलटकर टाइगर के ऊपर हमला नहीं कर पाएगा और टाइगर इस लड़ाई को जीत लेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लड़ाई का नतीजा इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह लड़ाई किस टाइम पर हो रही है, क्योंकि अगर यह लड़ाई दिन में होगी तो इसका टाइगर को फायदा होगा, लेकिन यह लड़ाई अगर रात में होगी तो ब्लैक पैंथर को फायदा होगा, क्योंकि रात के समय ब्लैक पैंथर छिप कर टाइगर के ऊपर हमला कर सकता है और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो टाइगर को हरा भी सकता है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस लड़ाई में 100 में से 99 बार टाइगर की ही जीत होगी। आपको इस बारे में क्या लगता है? मेरे प्यारे दोस्तों, अपना जवाब कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो स्क्रीन पर दिखाए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें, और साथ ही